धुन बजाएंगे तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। केवल चार लाइन की एक टुकड़ी महामाई के चरणों में मैं पीछे वाले भाइयों से कहूंगा थोड़े आगे आ जाओ, और पीछे वाले आएंगे तो फिर आपको आगे आना पड़ेगा, इसलिए आप ही आगे आ जाओ ना। आप तो ना करो, आप तो ठीक हो चाचा, तुम तो पीछे ही ठीक हो, जाते मत आगे आन दो नौजवान ने आ जान दो कागज। दुनिया वालों ने और क्या लिखा चाचा देख, अरे तौबा तौबा अरे तौबा तौबा, अरे तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू, लल्लू हाईवे तो सटोबो गांव है, ज्यादा झटकाबाजी मत कर, कछु बालक पल्लू जा सकते। कि ससुराल जाऊं तो साली, अरे गुरु माता बहन बैठी है ससुराल, सारी की बात काई कर रहे हो बेटा, माता बहन हो चाहे घर को कोई सदस्य हो, हाँ। जब तक साली की आहुति ना लगती घर में कोई प्रोग्राम अच्छा लगता ही नहीं, गलत कह रहा हूं मैं? अगर बहन आ रही हो ना और वो कह भैया छाता पे पहुंच गई हूं मैं, आगे टेम्पू बारो ला रो ना है, थोड़ी देर इंतजार कर, कोई टिर्री बिर्री बारो आ रो हो। और अगर साली फोन कर दे जीजा जी बस में थोड़ी भीड़ सी है, मैं छाता पे उतर पे बारी को तू वहीं उतर जा जहां है, मैं अब ही आ रहा हूं। ये 100-100 रुपए का जो पुरस्कार दे रहे हैं मुझे लग रहा है सभी को दे रहे हैं, ये डीके स्टूडियो जिनके द्वारा कल ये प्रोग्राम आप लोग मोबाइल पर देख सकेंगे, इन भैया जी के लिए एक बार तालियां हो जाएं। मैं तो ये कह रहा हूं कि बहोनी ना हैरी बहुत देर थे लेकिन बहोनी भैया तो 100-100 रुपया थे। कि ससुराल जाऊं तो साली और सादा पिलाती है, घर में रहूं घर वाली बस आधा पिलाती है, अरे घर में रहूं घर वाली बस आधा पिलाती है। और जिस लाइन पे भी आप लोगों को मालूम पड़े कि हाँ दिल को छू रही है बात, तो कम से कम तालियों का प्रोग्राम आप लोगों का चलता रहना चाहिए, चाहे गाना इधर से हो चाहे इधर से हो। अरे घर में रहूं घर वाली बस आधा पिलाती है, पीने वाले मायूस मत हो तू चल मेरे साथ, के पीने वाले मायूस मत हो और तू चल मेरे साथ, और वृंदावन में चल वहां राधा पिलाती है, वृंदावन में चल वहां राधा पिलाती है। लेकिन पिलाती क्या है, क्या पिलाती है? कि मैया के जितने दीवाने वो मैया पे चढ़ा कर पीते, मैया के जितने दीवाने मैया पे चढ़ा के पीते हैं, मैया के जितने
रब चढ़ा के पीते हैं। और भोले बाबा के जितने मस्ताने वो तन भस्म रमा कर पीते हैं। भोले बाबा के जितने मस्ताने तन भस्म रमा के पीते हैं। बालको निभारे हो आनंद आ रहा है। भोले बाबा के जितने मस्ताने वो तन भस्म रमा कर पीते हैं। और मुसलमान भाई कहते हैं कि आबे हराम है, हम नहीं पीते से, लेकिन मैं ऐलान से कहता हूं वो भी पीते हैं। मैं खाना खास करबला में और पीते हैं लोग मदीना में, पीते हैं लोग मदीना में, पीते हैं लोग मदीना में, कब पीता है लोग मदीना में, लेकर के मोहम्मद से प्याला वो अल्लाह को दिखा कर पीते, लेकर के मोहम्मद से प्याला अल्लाह को दिखा कर पीते हैं। लेकिन ये भी कोई पीना हुआ जो सुबह को पी और शाम तक उतर जाएगी, और पीना है तो शेरों बाली के नाम का जाम पी जा, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाए। भगत सिंह पहलवान 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं, आशीर्वादी कामना करते हैं। 10 रुपए में आशीर्वादी कामना? क्यों, आशीर्वाद तो आशीर्वाद है, नमक की थैलियां तो दही ना रे दुकान वाले। हाँ जी दीका भैया, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, और एक दिन लेंगे इनकी जान घुंघरू पायल के। अब आते हैं जागरण पे। पहले जब जागरण होता था तो जागरण वाले जो जागरण करने आते वो भी व्रत में रहते, और जिनके यहाँ होता वो भी व्रत में रहते। अब तो जागरण बजाए वे बारे 9:30 बजे आवते, और हाईवे पाई पहले फिट है आवते, चाहे पेट वारो हो चाहे नाल वारो हो चाहे ऑर्गन वारो हो, फिट है के आए। और उन्होंने देखी अब हमें कोई ना देख रो, और घर आए तो उनसे तूने तैयार मिले, तूने तैयार मिलता जागरण कुछ नहीं। बूढ़ी माँ घर में जो है तो उससे वो लड़का कहेगा, माँ तू रात भर कहाँ पड़ी रहेगी, अब तेरा ऐसा करता हूं मैं पड़ोसी के यहाँ चारपाई डलवा देता हूँ, रात भर साउंड पोल्यूशन होगा। बुढ़िया की चारपाई उठवा के किसी पड़ोसी के यहाँ दूर पहुंचा देते हैं, और वहां रात भर जय माता दी होती है, और उस घर में अंधेरे में पड़ी बूढ़ी माँ रात भर भूखी प्यासी रोती है। तो ईमानदारी से बताइए क्या जागरण हो गया? जागरण नहीं है। अरे जो एक तिनका भी किनका भी नहीं खा सकती उसके मुंह में ठूस रहे हैं मैया को भोग लगाओ, और जिसको रोटी की जरूरत है वो आंसुओं से अपना मुंह धो रही है, उसे कोई पूछता ही नहीं। तब कहा अगर बूढ़ी माँ की सेवा अगर हो जाए तो किसी जागरण की फिर जरूरत नहीं है। तब कहा कहे पूरा ही संसार गुलाम माँ के चरणों में, है पूरा संसार गुलाम माँ के चरणों में, अरे है पूरा संसार गुलाम माँ के चरणों में, मिलते हैं अरे वो मिलते हैं चारों ही धाम माँ के चरणों में, मिलते हैं चारों धाम माँ के चरणों में, बड़ा बताया है हुजूर ने सल्लल्लाहु वसल्लम, कुरान में फरमाते हैं आए मोमिनों अगर तुम्हें करना है जन्नत का अंदाजा तो माँ जन्नत है बाप दरवाजा, दरवाजा अगर जन्नत में जाना है तो माँ की भी खिदमत करनी पड़ेगी,
जन्नत चाहिए तो, लेकिन जन्नत में अंदर जाने के लिए दरवाजे की जरूरत पड़ेगी। अगर बाप की सेवा नहीं की तो जन्नत के बाहर ही खड़े रह जाओगे। बड़ा बताया है हुजूर ने ऊंचा मां का दर्जा। होती भैया लिखा दे। अरे बड़ा बताया है हुजूर ने ऊंचा मां का दर्जा, और दुनिया में कोई चुका सका ना माँ के दूध का दर्जा। बड़ा चुका सका ना माँ के दूध का दर्जा, दुनिया में कोई चुका सका ना। माँ के दूध का कर्जा अगर वाते छोरा ते कही जाए कि लल्लू अपने बापे की कसम खाइए तो सब इतान तक सौ पुत खा जाए, और एक बार कही जाए बेटा अपनी माँ की कसम खा तो सौ बार सोचे, सौ बार सोचेगा, और बाप की कसम सौ बार खा जाए लेकिन एक बार नहीं सोचेगा। माँ का दर्जा बाप से बड़ा क्यों? चार लाइन कहूंगा उसके बाद में भैया जी का नंबर आएगा। अरे प्रेम प्रीतियारी में किसी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता, ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता, ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता। पुण्य और पाप का मंत्र और जाप का उस मालिक के जैसा हिसाब नहीं मिलता। और ये 10 रुपए अजीतपुर कमेटी खामे खा। अजीतपुर कमेटी खामे खा। हाँ तो बेटा इन रुपए ने लौटा दे खामे खा, फजी तो तेरी जाने को सबेरे ऊपर फिर का हो खामे खा तो खामे खा है। अरे प्रेम प्रीतियारी में किसी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता, ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता, ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता। और मंत्र और जाप का पुण्य और पाप का उस मालिक के जैसा हिसाब नहीं मिलता, उस मालिक के जैसा हिसाब नहीं मिलता, मालिक के जैसा हिसाब नहीं मिलता। अरे एक बेटा पुण्य करे एक बेटा पाप करे पर माँ के दिल में दोनों में दुराब नहीं मिलता, अरे माँ के दिल दोनों में दुराब नहीं मिलता, माँ के दिल दोनों में दुराब नहीं मिलता। और मैं बालकोनी वालों की तालियां भी चाहूंगा अगर दिल को छुए तो। माँ का दर्जा बाप से बड़ा क्यों? माँ के दिल में दोनों में दुराब नहीं, अरे माँ के दिल दोनों में दुराब नहीं मिलता, माँ के दिल दोनों में दुराब नहीं मिलता। ये 100 रुपया श्रीमान जी आलोक मेंबर साहब उनकी तरफ से आए हैं, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दो। अरे माँ के दिल में दोनों में दुराब नहीं मिलता, और माँ का दर्जा बाप से बड़ा क्यों? क्यों? अरे ढूंढ लो बाजार में खोज लो संसार में ये माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता, माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता, माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता। अरे बड़ा बताया है देवों ने ऊंचा माँ का दर्जा, दुनिया में कोई चुका सका ना माँ के दूध का कर्जा। तो सेवक 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 अरे सेवक बने कृष्ण बलराम माँ के चरणों में, अरे सेवक बने कृष्ण और राम माँ के चरणों में। और इसलिए हाँ इसलिए बारंबार प्रणाम माँ के चरणों में, इसलिए बारंबार प्रणाम माँ के चरणों में, इसलिए बारंबार प्रणाम। अरे अब आए जा रही माँ और शारदा कोई मैं सुमरत हूँ तो सभा में, आए जा मेरी मैया सभा में, आए जा री ये तो है रसियन को बारो झंडा यहाँ टेलर ने कारो के सोटा पारो यार, अखारो के सोटा पारो यार।
अखाड़ो छप गयो दार पर। ये 50 रुपए का आशीर्वाद सत्तन हलवाई जी की तरफ से आया है। वो कह रहे हैं कि ये रख लो, 1 किलो 2 किलो जलेबी जो होंगी वो सुबह हम भिजवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये जो मोटरसाइकिल वाले भैया हैं ये अपनी साइड को लगा लें भैया जी। हमारे जो संयोजक महोदय हैं, संचालक महोदय, वो कह रहे हैं और 20 रुपए लोकेश ठाकुर और 10 रुपए निखिल भैया देते हैं, आशीर्वाद ही कामना करते हैं। आया। आया।